चाहिए, इस कदर भारी नुकसान चीन में रिपोर्टों को हुआ है। जान पर खेल कर अपना प्रयास कर रहे, अपनी जान पर खेल कर एक बोट को जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई बब्बू इधर देखो, छोटा भाई बब्बू आज ही बोट आया, आज ही मन इतना से दुखी है कि इस झील में जितना कमाओ यही के समाये जा रहा है। आप देखेंगे पूरी तरह से बोटों का अपना हाथ दीजिए है अपने बोट को बचाने के लिए। सुनील भी पूरा प्रयास कर रहा है और इसी तरह से चाहते हैं कि अब एक पल भी अपनी बोट बचा ली जाए। आप देखेंगे बोट लगा रहे हैं और पूरी तरह से टूट गई है, फूट गई है। तूफान देखिए किस कदर तूफान आ रहा है, ये देखिए आप। चाहते हैं अपनी बोट बचाना परंतु नहीं बचा पा रहे हैं, ये एक बड़ा नुकसान पूरी लेक को और पूरी झील को। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर काम, बेटा जैकेट जैकेट के संभाल देना है पुत्र, उसको संभालो भैया, हार हो गए ऊपर ही लेके जाते हैं। ये जरूर है कि हमारे साथी, देखिए जेट टैग बचाने का सफर भी डूब गया था, इसको बचाया गया और बिल्डरों द्वारा मदद की जा रही है यहाँ पर। और Thank you.
आज टिहरी झील में 2016 के बाद पहली बार सबसे बड़ा तूफान आया, जिसमें कई सारे पर्यटक भी फंस गए थे। हमारे कुशल तैराकों ने उनको तो बाहर निकाल दिया, सब सब कुछ सकुशल है, परंतु जो टिहरी झील से जो लोकल स्थानीय बोट मालिक थे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 30 से 40 बोटें यहाँ पर डूब चुकी हैं और कई बोटों को जिनके इंजन टूट गए हैं, कई बोटों के सीट टूट चुकी है, कई बोटों की बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इसका निश्चित तौर से टिहरी झील प्राधिकरण और प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि टिहरी झील में हम बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जेटियों की व्यवस्था की जाए। 105 बोटें हो चुकी हैं, परंतु अभी तक 40 ही बोटें लगाने की जेटी है और प्रशासन ने जो जेटी 12 बॉक्सों की जेटी होती थी उसको 6 बोटों की जेटी बना दी और जिससे कि 105 बोटें लग सक रही हैं, परंतु ये जेटी नाकाफी हो रही है जिससे कि बोटें डूब रही हैं, बोटें लगाने का सकुशल स्थान नहीं है, जिससे कि बहुत सारे बोट मालिकों को नुकसान हो। आप देखेंगे बहुत सारे मेरी जो वीडियो यहाँ पर आप देखेंगे, इस वीडियो में जो एक ऐसा युवा जो टिहरी के लिए एक संघर्ष कर रहा था, टिहरी झील को बढ़ाने का काम कर रहा था, आज उसकी कमर टूट चुकी है और निश्चित तौर से मुझे लगता है कई दिनों तक टिहरी झील में अब बोटिंग होनी संभव नहीं हो पाएगी।